In this module, we will discuss about the powers of a person while studying the protection against harassment of women at the workplace Act 2010 or 12. We see that the ombudsperson shall, for the purpose of this act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedures 1908 and in respect of the following matters. So, ombudsperson jo hai, wo is act ko execute karne ke liye, uske paas wahi powers hain jo सिविल कोर्ट के पास होती हैं। वो पावर्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। किसी भी शख्स को किसी भी पर्सन को अम्बर्स पर्सन जो है वो लीगली बाउंड कर सकता है टू बी प्रेजेंट इन द इंक्वायरी to be present in front of him, to be heard. So, legally bound kiya ja kar sakta hai, jo ombuds person hai, wo kisi bhi shaks ko kanuni taur par talab kar sakta hai, agar usko kisi kisam ki information jo hai, wo us shaks se required hai. Aur isi tarah, wo kisi bhi shaks se jo hai, wo oath le sakta hai, ke wo halaf de. To ombuds person ki ye power hai, कि वो किसी भी शख्स को जैसे कि किसी कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है इसी तरह से अम्बर्स पर्सन भी किसी शख्स को बुला सकता है. इसी तरह से अम्बर्स पर्सन के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो किसी को कंपेल कर सकता है, किसी ऑफिस को ऑर्डर्स इश्यू कर सकता है अगर उसको किसी किस्म का एविडेंस चाहिए, या किसी विटनेस को तलब कर सकता है अगर उसे किसी किस्म का एविडेंस जो है वो रिक्वायर्ड है. फिर वो जो एविडेंस वो जो रिसीव कर वो किसी एफिडेविट पर जो है वो उस एविडेंस को ले सकता है और किसी को लीगली बाउंड कर सकता है, फोर्स कर सकता है, कंपेल कर सकता है कि वो जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो एफिडेविट पर दे. फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपल कोई एप्लीकेशन आती है या सिंपल स्टेटमेंट आती है तो अम्बर्स पर्सन अगर वो जरूरी समझता है तो वो उस शख्स को जो है वो ये कह सकता है कि वो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो एफिडेविट के ऊपर प्रेस्क्राइब करे. इसी तरह से वो इन विटनेसेस को जो उसने कलेक्ट की हैं, रिक्वायर की हैं, जो डिजायर हैं इस केस के अंदर, उसके लिए एक कमीशन जो है उसको फॉर्म कर सकता है, उसको डिवेलप कर सकता है इस इंक्वायरी के अंदर कि वो इन तमाम विटनेसेस को जो है वो एग्जामिन करें कि कहाँ तक ये जो विटनेसेस हैं एविडेंसेस हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, रॉन्ग हैं, और इनकी जो अथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, वो किस हद तक जो है वो है. तो उसके लिए कमीशन जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, फॉर्मुलेट कर सकता है अम्बर्स पर्सन. अम्बर्स पर्सन के पास ये भी इख्तियार है दैट द अम्बर्स पर्सन कैन एंटर इन टू द एनी प्रेमिसेस, एनी बाउंड्री, एनी टेरिटरी वेयर द अम्बर्स पर्सन थिंक दैट इट इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू एग्जामिन समथिंग, टू कलेक्ट सम एविडेंस एंड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन and for the purpose of the investigation or some sort of inspection jo hai wo ombuds person kisi bhi office ke andar dakhil ho sakta hai, ye uski legal capacity hai, legal status hai, legal authority hai ombuds person ki ke wo kisi bhi premises ke andar, kisi organization ke andar jahan pe ye waqia waku pazir hua hai ya koi witness usko required hai ya koi information required hai to wo kisi organization ke andar, kisi territory ke andar, geographical boundary ke andar jo hai wo enter ho sakta hai, kisi office ke andar koi record talab karne ke liye enter ho sakta hai jahan se usko relevant information jo hai wo mil sakti ho. और ये उसकी लीगल कैपेसिटी है.
Ambar's person shall have the same power as the High Court has to punish any person for its contempt. कि जिस तरह से contempt of court पर punishment हो सकती है, इसी तरह से Ambar's person के order को violate करने की सूरत में या inquiry procedure की violation की सूरत में जो है वो contempt of court को ही जो है वो तसव्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा. ये भी जो है वो अम्बर्स पर्सन की पावर्स में इंक्लूडेड है. अम्बर्स पर्सन शेल वाइल मेकिंग द डिसीजन ऑन द कंप्लेंट में इम्पोज एनी वेदर द माइनर पेनल्टी और द मेजर पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4. तो सेक्शन 4 के तहत जो उसके सबसेक्शन 4 में जो मेजर एंड माइनर पेनल्टीज मेंशन की गई हैं, इस एक्ट के अंदर अम्बर्स पर्सन की ये लीगल ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो कोई भी माइनर पेनल्टी जो है वो या मेजर पेनल्टी जो है या दोनों जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है और इम्पोज कर सकता है किसी भी पार्टी के ऊपर जहां पर वो समझता है कि ये अप्रोप्रिएट है, तो वो उसको इम्पोज करने की उसकी लीगल कैपेसिटी है अम्बर्स पर्सन की. सो दीज आर द पावर्स विच हैज बीन डेलीगेटेड टू द अम्बर्स पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस 2010 एक्ट.